क्या आपको पता है आपकी फेवरेट मार्वल कॉमिक्स एक समय में बैंकरप्ट हो गई थी और साथ ही उन्हें अपने सारे कैरेक्टर्स बेचने की नौबत आई थी। चलो तो आज हम मार्वल स्टूडियोज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो तैयार हो जाओ। ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। मार्वल एंटरप्राइजेस, जिसे पहले मार्वल कॉमिक्स के नाम से जाना जाता था, उसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। मैगजीन पब्लिशर मार्टिन गुडमैन ने टाइमली कॉमिक्स के नाम से मार्वल कॉमिक्स पब्लिश करना चालू किया था। टाइमली की फर्स्ट कॉमिक बुक थी मार्वल कॉमिक्स नंबर 1, जिसमें ह्यूमन टॉर्च और सबमरीनर जैसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स को दिखाया गया था, जो कि काफी पॉपुलर हो गई थी। वैसे ही टाइमली ने बहुत से सुपर हीरोज को अपने कॉमिक्स के थ्रू फीचर किया। 1941 में कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स नंबर 1, इस कॉमिक बुक में कैप्टन अमेरिका फीचर होने के बाद टाइमली कॉमिक्स कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई थी। टाइमली कॉमिक्स में दिखाए हुए कैरेक्टर्स मोस्टली वर्ल्ड वॉर टू के पहले की जापानीज और नाजी से फाइट करते हुए पोर्ट्रे किए गए थे। टाइमली कॉमिक्स ने 1950s तक लोगों के दिलों पर बहुत राज किया, लेकिन उसके बाद सेम टाइप ऑफ स्टोरीज होने के कारण मार्वल कॉमिक्स का क्रेज थोड़ा कम हो गया, जिसके चलते 1951 में मार्टिन गुडमैन ने अपनी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टार्ट की और टाइमली कॉमिक्स का नाम एटलस कॉमिक्स के नाम में कन्वर्ट हो गया। एटलस कॉमिक्स बाकी जॉनरा के कॉमिक्स भी बनाने लगे, जैसे कि ह्यूमर, वेस्टर्न्स, हॉरर, साइंस फिक्शन, वॉर एक्सेट्रा। लेकिन 1956 में राइवल कंपनी डीसी कॉमिक्स ने एंटर करने के बाद उन्होंने सुपर हीरोज को री इंट्रोड्यूस करके काफी सक्सेस कमाया। फिर डीसी कॉमिक्स को टक्कर देने के लिए 1961 में एटलस कॉमिक्स ने फिर से अपना नाम चेंज करके मार्वल कॉमिक्स रख दिया। 1961 में मार्वल एरा चालू हो गया था, जहां स्टैनली, जैक कर्बी और स्टीव डिटको ने द फैंटास्टिक फोर जैसे और भी पॉपुलर सुपर हीरो टाइटल्स क्रिएट किए थे। उसके बाद कई सालों के लिए डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज में से एक रहे थे। स्टैनली मार्वल कॉमिक्स के क्रिएटर है, उन्होंने टाइमली कॉमिक्स में ही कई कॉमिक्स लिखी थी और फ्यूचर में सुपर हिट होने वाले फेमस सुपर हीरो कैरेक्टर्स भी उन्होंने ही क्रिएट किए थे। 1961 से स्टैनली ने सारे सुपर हीरोज में रेवोल्यूशन लाया। जहां पहले के कॉमिक्स सिर्फ बच्चों के लिए लिखे जाते थे, वहां स्टैनली ने सुपर हीरोज को ऐसे डिजाइन किया जो कि अडल्ट रीडर्स भी उसे खूब एंजॉय करें। इसी तरह धीरे धीरे नए कैरेक्टर्स ऐड करते करते मार्वल काफी फेमस हो रहा था। लेकिन फिर भी ये कंपनी बैंकरप्ट क्यों हुई? 1989 में मार्वल कॉमिक्स को रॉयल पेरलमैन ने $82.5 मिलियन में खरीद लिया था। उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चालू किया, जिसकी टोटल कॉस्ट थी अराउंड $700 मिलियन, जिसमें टॉय बीज जैसे बड़े कंपनीज भी शामिल थे। उस समय कॉमिक कलेक्शन का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जहां कॉमिक लवर्स को ये लगने लगा था कि अगर वो इन फेमस कॉमिक्स को कलेक्ट करके रखेंगे तो फ्यूचर में इनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। उस समय कई पुरानी कॉमिक्स की प्राइस भी काफी हद तक बढ़ गई थी, जिसके चलते मार्केट में रीडर्स के साथ साथ कॉमिक कलेक्टर्स भी आ गए थे, जो कि कॉमिक्स को बल्क में बाय करते थे। कॉमिक बुक कंपनीज ने ये किया कि स्टोरी वही रखी और बस बुक कवर्स चेंज कर दिए और बहुत पैसे कमाए। फिर रॉन पेरलमैन ने भी इस कंपनी को पब्लिकली ओपन किया ताकि और इन्वेस्टर्स आ जाए। फिर धीरे धीरे मार्वल का स्टॉक प्राइस भी काफी हाई हो गया था। लेकिन मिड 90s में ये कलेक्शन का ट्रेंड अचानक से काफी कम हुआ, क्योंकि मार्वल ने कॉमिक्स के प्राइसेस काफी हद तक बढ़ा दिए थे और उनकी स्टोरीज की क्वालिटी काफी हद तक लो हो गई थी, जिसकी वजह से मार्वल का स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा गिर गया और मार्वल कॉमिक्स कर्जे में डूब गई। इस पर रॉन पेरलमैन ने ये सोल्यूशन निकाला कि वो टॉय बिज जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसे अब वो पूरी तरह खरीद कर मार्वल कॉमिक्स में मर्ज करेंगे और मार्वल की मूवीज बनाएंगे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को गेन करे। लेकिन उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो टॉय बिज को खरीद सके, जिसके चलते इस डिसीजन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनकार कर दिया। लेकिन रॉन पेरलमैन ने मार्वल को बैंकरप्टसी के लिए फाइल किया ताकि वो सारे डिसीजंस खुद ले सके। फिर बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी से निकाल दिया और दो पुराने टॉय बिज के एग्जीक्यूटिव्स को कंपनी चलाने को दे दिया, जिनका भी ये मानना था कि मूवीज ही फ्यूचर है जिसके जरिए वो पैसे कमा पाएंगे। लेकिन उस वक्त उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो खुद मूवीज बना पाए।
इसीलिए उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को अलग अलग मूवी स्टूडियोज को लाइसेंस कर दिया ताकि वो लोग खुद कैरेक्टर्स को लेकर मूवीज बनाए और फेमस करे, जिसके बाद ब्लेड और स्पाइडरमैन जैसी मूवीज बनी जो कि काफी हिट हुई थी। पर मार्वल को इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, कई मूवीज फ्लॉप भी हुई थी जिससे मार्वल ने कुछ भी अर्न नहीं किया था। तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मूवीज उन्हें खुद से ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन तब मार्वल हद से ज्यादा लॉस में था, जहां उनके पास सिर्फ 250 एम्प्लॉइज ही बचे थे और कर्जा था 250 मिलियन डॉलर्स का। मार्वल को पैसे चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने अपने ज्यादातर कैरेक्टर्स को लाइसेंस्ड कर दिया, जिसके बाद उन कैरेक्टर्स के कपड़े, एक्शन फिगर्स और बाकी मर्चेंडाइज मार्केट में आ गए और मार्वल को अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो गई। और इसका पूरा फोकस उन्होंने फिर से अपनी कॉमिक्स की क्वालिटी सुधारने पर लगा दिया था। फिर इंटरनेशनली भी ग्रो करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो खुद मूवीज बनाएंगे, लेकिन उन्हें कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं मिले। फिर मेरिल लिंच नाम के एक कंपनी ने उन्हें 525 मिलियन डॉलर्स दिए, लेकिन डील ये थी कि अगर लॉस हुआ तो मार्वल के सारे कैरेक्टर्स के राइट मेरिल लिंच को मिल जाते। लेकिन रिस्क लेकर 2008 में मार्वल ने आयरन मैन मूवी बनाई और ये मूवी काफी हिट हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 585 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया। और इसके तुरंत एक साल बाद ही डिज्नी ने मार्वल को 4 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। और फिर डिज्नी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, जिसके चलते उन्होंने टोटल 22.56 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसमें हर सुपरहीरो के साथ ऑडियंस पर्सनली कनेक्ट होती थी। इंडिया में भी मार्वल मूवीज का ह्यूज फैन बेस है और आयरन मैन और थॉर जैसे कैरेक्टर्स को लोग काफी पसंद करते हैं। तो ये थी स्टोरी मार्वल की, जिन्हें एक समय अपने सारे कैरेक्टर्स बेचने की नौबत आई थी और आज वही मार्वल कॉमिक्स दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज है। लोन लेके आयरन मैन मूवी प्रोड्यूस करने से लेकर दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवेंजर्स एंडगेम बनाने तक की उनकी ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। और एवेंजर्स एंडगेम तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये वीडियो सभी मार्वल फैंस के साथ शेयर जरूर करना और अगले केस स्टडी आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे वो भी मेंशन करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।